Hello children, in this video you will get to know what is plagiarism. Plagiarism kya hota hai, okay? Types of plagiarism and how to avoid plagiarism. Hum plagiarism ko kaise avoid kar sakte hain, okay? So the first question is what is plagiarism? Plagiarism kya hota hai? Plagiarism is stealing someone else intellectual work. प्लेगरिज्म क्या होता है? किसी भी पर्सन के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करना, चुरा लेना. इंटेलेक्चुअल वर्क मींस वो वर्क जो उसने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके बनाया है, अपने माइंड का यूज करके बनाया है. ओके, किसी पर्सन के वर्क को, इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेना, मतलब चुरा लेना, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेगरिज्म. ओके, तो इंटेलेक्चुअल वर्क क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी एन आइडिया, किसी का आइडिया. लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क क्या होता है? लिटरेरी वर्क लाइक बुक्स, किसी ने बुक्स लिखी है, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, तो ये सब क्या है? लिटरेरी वर्क. ओके, और एकेडमिक वर्क, किसी ने कुछ अपना एकेडमिक वर्क दिया है, कुछ लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया है. ओके, या फिर कोई प्रेजेंटेशन दी है, तो ये सब क्या है? ये क्या है? एक पर्सन ने अपने माइंड से क्रिएट किया है, अपने इनोवेटिव आइडियाज की हेल्प से क्रिएट किया है. अगर हम किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म बोलते हैं, राइट? एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द क्रिएटर और विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ओके, तो अगर आप क्या करते हो, किसी और के वर्क को अपना वर्क बनाकर प्रेजेंट कर देते हो, और जिस पर्सन का वो इंटेलेक्चुअल वर्क है आप उसको कोई क्रेडिट नहीं देते हो, ना ही आप ये साइट करते हो, ये बताते हो, ये रेफर करते हो कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है. फाइन, समझ में आया? तो प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ समवंस इंटेलेक्चुअल वर्क. इंटेलेक्चुअल वर्क जिस जो वर्क किसी ने अपने माइंड का, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके बनाया है, जो वर्क किया है, राइट? ओके, सो प्लेगरिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज, प्लेगरिज्म को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. ओके, एंड सेकेंड इज डेलिब्रेट और इंटेंशनल प्लेगरिज्म, राइट? सो फर्स्ट वी हैव एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. वो प्लेगरिज्म जो आपने किया है, आपने प्लेगरिज्म किया है, मतलब आपने स्टील किया है, बट एक्सीडेंटली किया है, अनइंटेंशनली किया है, आपको पता नहीं था बट आपसे हो गया. ओके, तो इसमें क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स केयरलेस पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग होता है आपने कहीं से कुछ भी कॉपी किया, ओके, और आपने उसको अपने खुद के वर्ड्स में कन्वर्ट करके समझा दिया. लेट अस सपोज आपने इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन ली, किसी ने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डाली थी, आपने वो इन्फॉर्मेशन ली और आपने उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके समझा दिया, तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, राइट? चेंजिंग द वर्ड्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉपी डॉक्यूमेंट. ओके, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी किया, उसके वर्ड्स को क्या किया? चेंज कर दिया. ओके, उसके सेंटेंसेस को चेंज कर दिया, राइट? इसको बोलते पैराफ्रेजिंग. कोटिंग टेक्स्ट एक्सेसिवली अलोंग विद पुअर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, और आपने क्या किया, जो आपको कोर्स मिलते हैं, मतलब जो आपके, जैसे आपने क्या किया, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी की, फाइन, उसके साथ आपने क्या किया, अपने खुद की डॉक्यूमेंटेशन, अपने खुद के रिटन मटेरियल को भी एड ऑन कर दिया, फाइन, आपने कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ अपना लगा दिया, तो क्या हुआ? मिक्स एंड मैच हो गया, मतलब मिक्स कर दिया आपने, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से उठाई, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से उठाई, और अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें यूज कर लिया, तो वो क्या हुआ? यू आर स्टीलिंग समवन एल्स आइडियाज, यू आर स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क हियर. लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक्सीडेंटली ये सब कर रहे हो, अनइंटेंशनली ये सब कर रहे हो, तो ये कौन सा प्लेगरिज्म हो गया? ये हो गया एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. ओके, नाउ वी हैव डेलिब्रेट और इंटेंशनल प्लेगरिज्म. इट इंक्लूड्स कॉपिंग समवन एल्स वर्क,
कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ मीडिया। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेलिब्रेटली इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, प्लैगरिज्म कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, ओके, हम किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर रहे हैं, बट हम फिर भी उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, वी आर कॉपिंग समवन एल्स वर्क, हम किसी और का वर्क पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ मीडिया, हम क्या कर रहे हैं, किसी ने इंफॉर्मेशन, मान लो कोई आर्टिकल लिखा है या ब्लॉग पोस्ट किया है, हमने उसको क्या किया, कट और पेस्ट करके पूरा का पूरा एज इट इज अपने ब्लॉग में या अपने आर्टिकल्स में डाल दिया, ठीक है। एनी काइंड ऑफ मीडिया, हमने क्या किया, और ऑडियो आया, ऑडियो स्टील कर लिया, ओके, उसको यूज कर लिया, वीडियो फाइल्स को यूज कर लिया, मूवी क्लिप्स को यूज कर लिया। तो ये क्या है, ये है डेलिब्रेट प्लेगरिज्म, राइट, इंटेंशनल प्लेगरिज्म, ओके, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज विदाउट डॉक्यूमेंटिंग एंड एट सेम टाइम पब्लिशिंग इट ऑन द वेब, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हम स्टील भी कर रहे हैं, ओके, और उसको एट द सेम टाइम हम पब्लिश भी कर रहे हैं, ओके, इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब पे हम उसको पब्लिश भी कर रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स। और जिसका वो रियल वर्क है, ओके, रियल पर्सन से परमिशन लिए बगैर हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटर्स से हम कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, डेवलपर्स से हम कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डेलिब्रेट और इंटेंशनल प्लैगरिज्म। हियर वी नो दैट दैट वी आर डूइंग प्लैगरिज्म, राइट। नाउ हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैगरिज्म, एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म, यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कुछ ऑथर्स का वर्क क्या करते हैं, स्टील कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे उनको क्रेडिट नहीं देते कि ये किसी इस पर्टिकुलर ऑथर का है, ओके, किसी ऑथर का, किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ बुक वर्क किया है, तो क्या करना, उसके वर्क को स्टील कर लेना, उसके वर्क को एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर देना विदाउट गिविंग क्रेडिट टू डेट पर्सन, फाइन, ओके। देन मॉडिफाइंग लिफ्टिंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क, क्रिएटर ऑफ द वर्क, ओके। तो किसी का म्यूजिक कंपोजिशन है, वो आप वो स्टील कर लेना एज इट इज, उसको अपने मूवी में या अपने किसी वीडियोस में यूज कर लेना, ओके। और जिसका जो वो रियल जो प्रोडक्ट है, रियल म्यूजिक कंपोजिशन है, उसको कोई क्रेडिट नहीं देना। तो ये भी क्या है, प्लेगरिज्म है, ओके। नाउ गिविंग इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज रॉन्गफुल साइटेशन। मतलब समटाइम्स क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन का सोर्स बता रहे हो लेकिन वो करेक्ट नहीं है, आपने उसको इंफॉर्मेशन कहीं और से लिए बट आप सोर्स कहीं और बता रहे हो, ओके। तो दिस इज ऑल्सो प्लेगरिज्म, राइट। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नोलॉजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन अ कोलेबोरेटिव इफर्ट टू विच यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट है, वो बहुत सारे, मान लो एक प्रोजेक्ट है जो चार लोगों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, आप पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले जाओ कि ये सिर्फ मैंने क्रिएट किया है, ओके। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नोलेजिंग, और आप एक्नोलेज नहीं कर रहे हो कि इसमें बाकी तीन लोगों ने भी क्या किया है, उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है, राइट। नाउ यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स, फिगर्स और इमेजेस फ्रॉम अ सोर्स विदाउट साइटिंग। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ, चार्ट, फिगर्स, इमेज, इन सबको क्या करते हैं, अपने वर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये सोर्स नहीं बताते कि यहाँ किस सोर्स से, कहाँ, किस वेबसाइट से उन्होंने इसको क्या किया है, कॉपी किया है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, राइट, कि आप कहीं से ग्राफ्स, चार्ट, फिगर्स या इमेजेस को क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो एज इट इज, बट यू आर नॉट टेलिंग द सोर्स ऑफ द फ्रॉम बट यू आर नॉट टेलिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग these all these things, okay. Now next, incorporating another writer's words or phrases within a larger paraphrase without quotation mark or citation. अगर आप किसी का as it is words copy करते हो तो क्या होता है, उसे quotation marks में हमेशा आपको एनक्लोज करना चाहिए, ओके। तो जिससे ही पता चलता है कि हाँ ये किसी ने कहा है, ये किसी और, किसी ऑथर ने कहा है, किसी का वर्क है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग अनदर राइटर्स वर्ड्स और फ्रेसेस विद इन अ लार्ज पैराफ्रेज, मतलब आप खुद का एक
क्या करो, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करो, फाइन। और वहां पे उस एक्सप्लेनेशन में आप क्या करते हो, दूसरे राइटर्स के वर्ड्स को यूज करते हो, उनके फ्रेसेस को यूज करते हो, लेकिन कोटेशन मार्क्स से उनको एनक्लोज नहीं करते हो, ना ही उनको रेफर करते हो कि ये इस पर्टिकुलर राइटर का की सेइंग है या इस पर्टिकुलर राइटर ने ये लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या, दिस इज ऑल्सो अ प्लेगरिज्म। ओके, सो हियर वी हैव द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेगरिज्म, कि क्या क्या चीजें हैं जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से प्लेगरिज्म होता है। ओके, किसी का वर्क स्टील कर लेना बट उसको क्रेडिट ना देना। ओके, म्यूजिक कंपोजिशन, या आप सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर स्टील कर लेना। ओके, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना के क्या करना, दोबारा से पब्लिश कर देना। ओके, सो हियर वी हैव दीज एग्जाम्पल ऑफ प्लेगरिज्म, राइट। ओके, नाउ वी हैव हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड करें? प्लेगरिज्म शुड बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग सिंपल मेजर्स। ओके, यूज योर ओन आइडियाज एंड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से सब कुछ कॉपी करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, अपने खुद की क्रिएटिविटी, खुद के इनोवेटिव माइंड को यूज करना चाहिए, खुद के आइडियाज, खुद के वर्ड से आपको को यूज करना चाहिए, राइट, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, फाइन। नेक्स्ट, वी हैव ऑलवेज प्रोवाइड अ रेफरेंस और गिव क्रेडिट टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जरूरत पड़ती है और आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, आपको हमेशा उस पर्टिकुलर सोर्स को क्या करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, उसको साइट करना चाहिए, मतलब उसको रेफर करना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से किया है या इस पर्टिकुलर बुक से किया है, जो भी है वो आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर साइट या बुक को रेफरेंस देनी चाहिए, उसको क्रेडिट देना चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑथर को क्रेडिट देना चाहिए, राइट। साइट द नेम ऑफ द वेबसाइट और यूआरएल और द नेम ऑफ द ऑथर्स एंड एक्नॉलेज देम इफ यू हैव यूज्ड देयर वर्क। सेम, अगर आप किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करें तो आपको उस वेबसाइट को रेफर करना चाहिए, उसका नेम आपको बताना चाहिए, उसका यूएल बताना चाहिए। ओके, या फिर आप किसी ऑथर का वर्क ले रहे हैं तो उस ऑथर को एक्नॉलेज करना चाहिए, मींस उसके बारे में बताना चाहिए। ओके, कि आई हैव टेकन दिस वर्क फ्रॉम दिस ऑथर्स बुक और दिस ऑथर्स जर्नल, वट एवर, राइट। नाउ यूज ऑनलाइन टूल्स टू चेक फॉर प्लेगरिज्म। अगर आप नहीं, आप अनइंटेंशनली प्लेगरिज्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ना करें, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टूल्स की हेल्प ले सकते हो प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए, फाइन। डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, और अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो, जिससे क्या होगा, आप खुद से लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, इससे क्या होगा, आप लेस, द मोर यू विल स्टार्ट राइटिंग योर सेल्फ, लेस यू विल स्टील रिटर्न वर्क फ्रॉम इंटरनेट, फाइन। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को आप डेवलप करो, फाइन। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट्स। टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ।